तो हेलो यार, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वायरस के बारे में, थ्री इडियट्स वाला नहीं। तो हमारे फ़ोन में बेसिकली बहुत सारी फाइल्स होती है, डजेंट मैटर हमने डाउनलोड की होती है या फिर हमारे फ्रेंड ने हमें शेयर की होती है, तो हमें नहीं पता कि उस फाइल में वायरस है या फिर नहीं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आपके फ़ोन में वायरस है, आपके फ़ोन में जो भी फाइल है उसके अंदर वायरस है या नहीं, आप किस तरीके से ईजिली पता लगा सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं एंड उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, देन वो सॉफ्टवेयर इजीली जो है आपके वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। बट यार, हम तो एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, हमारे स्मार्टफोन के अंदर एंटीवायरस जैसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो आपको सिंपली बस कोई फाइल में वायरस डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र जो है ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। तो उसके ऊपर आपको सर्च करना है वायरस टोटल, तो यहाँ पर वायरस टोटल आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिलेगी, आपको उसे ओपन करना है। बाय द वे, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली आपकी कोई भी जो फाइल आपको डिटेक्ट करनी है उसे चूज़ करना है। यहाँ पर मैं अपनी कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास में एक फाइल है जिसके अंदर वायरस है, तो उसे सबसे पहले मैं ओके करता हूँ। तो ये बेसिकली बहुत छोटी सी फाइल थी, तो इसने यहाँ पर इसे बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया, बिकॉज ये 308 KB की थी। तो यहाँ पर मुझे दिखा दिया 58/64। अगर यहाँ पर जीरो लिखा आता है, देन आप समझ जाइए आपके फ़ोन, आपकी जो फाइल है उसके अंदर जीरो वायरस है। जैसे कि यहाँ पर 55/64 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 64 में से 55 वायरसेस इंस्टॉल्ड है। उसी के अलावा डिटेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर ये फाइल में वायरस अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ जो जिसके अंदर वायरस नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बैक करना है, फिर से चूज़ फाइल में जाना है। मैं अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक APK फाइल है बेसिकली, तो उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि ये बड़ी फाइल है तो ये अपलोड होने में टाइम लगाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसने पूरा अपलोड कर लिया, यहाँ पर पूरे अनडिटेक्टेड आ रहा है। एंड समरी में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर 0/61 लिखा रहा है एंड ग्रीन साइन आ रहा है, तो इसका मतलब होता है इस फाइल के अंदर कोई भी वायरस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली फाइल बताई, उसके अंदर रेड साइन आ रहा था, वहाँ पर 54 लिखा हुआ था, 54/63, तो उसके अंदर वायरस अवेलेबल थे। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी इसको डिटेक्ट कर सकते हो। वैसे इस वेबसाइट का आपको एप्लीकेशन भी अवेलेबल मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वेबसाइट से ही चेक कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड सबसे बेस्ट बात तो ये, आप किसी भी अननोन साइट से कोई भी फाइल डाउनलोड मत कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वायरस की टेंशन आपको नहीं होगी। बाकी किसी भी फाइल में अगर आपको लगता है वहाँ पर वायरस है, वहाँ पर दिखाता है कि इसके अंदर वायरस है, देन आप सिंपली उसे डिलीट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अगर आप इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो ये भी बता देगा कि आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनमें से कौन कौन से एप्लीकेशन में वायरस अवेलेबल है। बाकी यार, ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, बिकॉज इस चीज़ की मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी यार, आपको मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।